Hello everyone, in this video we're going to talk about data types। तो पहले इसको नाम दे देते हैं और data types, not a valid name as expected, data types। तो एक हम लोग की क्लास बन चुकी है। अब पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। यार ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स, तो एक डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज primitive data types and second one is non-primitive data type। data types on primitive, okay। डेटा टाइप के यार दो एग्जांपल होते हैं। डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसका ये होता है एग्जांपल कि इंटीजर, फ्लोट, बाइट, etc, ठीक। और इसमें होते हैं तुम्हारे एरे हो गए और स्ट्रिंग्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ना अपने अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक। और अब बात करते हैं हम लोग टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक। अब वही अपना पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। एक देखो ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट बन चुका है। और हाँ, स्कैनर sc बराबर न्यू स्कैनर और system.in तो भाई साहब हम लोग ऐसे करके वैल्यू ले लेंगे स्कैनर क्लास में अपने। और दैट वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड इनटू इंटीजर, क्या दिक्कत हो रही है? sc डॉट हाँ नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट इंटीजर के केस में लिखते हैं, ठीक। इन बैटरी इज लो, इतनी चार्ज है यार, देखते बाद में। इंटीजर के इसमें ओके लेट्स सॉल्व। क्या चल रहा है? Enter the value of x, okay। x. Okay, अरे इतना टाइम ले रहा। करंट फाइल एंड रन। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 234 प्रिंट भी हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू टेक स्ट्रिंग, हाउ टू टेक वैल्यू एज स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. Keep a fling, keep improving. This is Amit Sengupta signing off.